जैसे सबने कहा है कि इस सरकार को बाहर निकालना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि कभी ऐसी सरकार नहीं हुई हिंदुस्तान में जिसने इतना झूठ बोला हो जितना इस सरकार ने बोला है। कभी ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करने में इतनी जिद की हो, जैसे हमारे भाई कह रहे थे, सीबीआई को, आरबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, कैबिनेट को, मीडिया को, हर एक को करप्ट करने की और सबवर्ट करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। और इसी तरह कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने, आप फार्मर्स की बात कर रहे हैं, मगर जिसने डिफेंस को इतना निग्लेक्ट ना किया हो, और जिसमें इतना बड़ा घोटाला जो रफेल में हुआ है वो किसी सरकार में ऐसा इतनी स्केल का घोटाला नहीं हुआ। इकोनॉमी में जैसे अभी यशवंत जी बता रहे थे, ऐसा ल्यूनेटिक डिसीजन जैसा डीमोनेटाइजेशन कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। एक सिंपल आइडिया जीएसटी का इम्प्लीमेंट ऐसी बुरी तरह किया गया कि उससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर क्या असर पड़ा आप सब जानते हैं। और इसलिए जाना तो चाहिए ही, और दूसरी बात यह है कि उनको भगाया जा सकता है। अभी हमारे मेवानी यहाँ हैं, हार्दिक पटेल यहाँ हैं, अगर ऑपोजिशन यूनाइट होकर गुजरात में लड़ती तो गुजरात में इनकी सरकार नहीं बन सकती थी इस इलेक्शन में। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और डिसाइसिव विक्ट्रीज आ सकती थी। तो इसलिए इनको भगाया जा सकता है। और मगर आप एक चीज जरूर याद रखें कि ये मोदी भी पहचानते हैं कि अब उनकी पकड़ हिल गई है, और इसलिए वो किसी हद तक भी जाएंगे सत्ता में रहने के लिए। आज कर्नाटक में जो हो रहा है वो कल आप देखिएगा मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए एक तो चौकन्ने रहना है, दूसरे एक होना है। जैसे मैंने आपसे अर्ज की, अब यशवंत जी ने भी बहुत अच्छी तरह आपसे कहा कि एक लक्ष्य हो कि इनको हटाना है। ये नहीं कि भाई साहब मैं इसके साथ कैसे मिलूं क्योंकि अगली बार मुझे असेंबली में इन्हीं के साथ लड़ना है, वो नहीं। एक ही लक्ष्य, वो लोकसभा का इलेक्शन, अर्जुन बनिए। और दूसरा एक ही प्रण कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट सिर्फ एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट खड़ा होगा। मगर इस सब को करने के लिए इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ हैं, उन्होंने एक बात मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपके दिल में उतारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वी हैव टू अप्रोच इट विद अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, नॉट विद अ सेंस ऑफ कैलकुलेशन। हम त्याग की भावना से इस उद्देश्य के आगे चले तब ये होगा। अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि नहीं साहब अगर मेरी 45 सीट आती हैं, उसकी 40 सीट आती हैं, तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो फिर देखिए ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, कोई प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनेगा। इसलिए एक लक्ष्य और एक प्रण। और दूसरी बात यह है कि मोदी से तो, और ये मैं इसी पर ख़त्म करूंगा कि मोदी से, और ये मोदी शाह जो है, शाह मोदी जो है, इससे तो लोगों का एतबार उतर गया है। मगर अब उनको एतबार ये दिलाना है कि आप सब इकट्ठे रहोगे, आप सब इकट्ठे हो। इसलिए ममता जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि सबको साथ लाना, ये बहुत मुबारकबंद है, इनको मुबारक होती है। और ये हम सब के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए कि हर एक प्रांत में ऐसी बड़ी शानदार रैली हो और वहाँ के जो डोमिनेंट लीडर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करें, जैसे चंद्रबाबू नायडू, हमारे कुमार स्वामी साहब, अपने शरद पवार साहब, ये सब ऑर्गेनाइज करें और सब जाएं। किसी नुमाइंदे को मत भेजिए, सबको बुलाइए, सबके पास जाइए, और उससे फिर लोगों में यकीन होगा कि आप एक हैं
और आप एक रहेंगे। देखिए अभी तक सिर्फ एक आदमी काम कर रहा था ऑपोजिशन को यूनाइट करने के लिए और उसने बहुत काम किया और वो था नरेंद्र मोदी। अब जब बंगाल की शेरनी ने ये काम लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम मुकाम तक पहुंचेगा।